खबर सहरसा से है, जहां मानवता शर्मसार हुआ है। कोसी का पीएमसीएच कहलवाने वाला सदर अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक लावारिस बुजुर्ग मरीज अस्पताल परिसर के अंदर कचरा में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत काफी खराब थी और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल में भर्ती मरीज की माने तो कल तक लावारिस बुजुर्ग का इलाज सदर अस्पताल के वार्डों में ही हो रहा था। सुबह जब किसी काम से सदर अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ गया तो कछुओं के बीच बुजुर्ग को लावारिस हालत में पड़ा हुआ देखा। कुत्ते और सुअर लावारिस हालत में पड़े बुजुर्ग के आसपास घूम रहे थे। सदर अस्पताल पीएमसीएच की हालत जब ऐसी है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले के स्वास्थ्य केंद्र की हालत कैसी होगी। वही लावारिस हालत में पड़ा बुजुर्ग को अस्पताल प्रशासन के द्वारा उठाकर उसे वार्ड तक नहीं ले जाया गया, बल्कि लावारिस हालत में कचरे में पड़ा बुजुर्ग को देखकर नजरअंदाज कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही है, उसका इलाज नहीं किया गया और न उसे भोजन दिया गया। आज हमें जब पता चला वो महिला वार्ड के पीछे पानी में गिरा हुआ पड़ा था, जब अस्पताल प्रशासन को उसकी सूचना दी गई तब वो हरकत में आए, तब उसे आनंद फानंद उठा के सदर अस्पताल में भर्ती करवा उसे उसका इलाज शुरू करवाया गया। लेकिन ये तो एक बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है सदर अस्पताल की। आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, अस्पताल प्रशासन को लेकर आप किस तरह से इसको कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो समिति सदर अस्पताल सुधार संघर्ष समिति बराबर इसको लेकर संघर्ष करते रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के विरोध में हमेशा इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और एक ताज़ा उदाहरण आज है, आपके आंखों के सामने है वो। ऐसे में अस्पताल प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। जब खबर संकलन करने पहुंचे हमारे रिपोर्टर तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गए और आनन फानन में कचरे में फेंका बुजुर्गों को उठाकर सदर अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया। अब देखना यह है कि क्या बिहार सरकार और अस्पताल प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।